जय माता जी। डियर स्टूडेंट्स, स्क्रीन पे आपको सम नंबर 30 से और उसका पीडीएफ कॉपी और सम नंबर 40 का पीडीएफ कॉपी सम्स का दिख रहा है। बच्चों, ये वीडियो लेक्चर जब मैंने रिकॉर्ड किया था बच्चों, तो सारे सम पुरानी टेक्स्ट बुक में थे और नई टेक्स्ट बुक में से सारे सम निकाल दिए। तो ये पुरानी टेक्स्ट बुक के सम्स है बच्चों, जो नवी बुक में अवेलेबल नहीं है। तो आपको इसका क्वेश्चन समझ आए इसलिए मैंने पीडीएफ फॉर्म में ले लिया है। इसको आप इमेज के तौर पर लिख लेना या फिर फोटो खींच लेना, जिससे आपको आंसर वीडियो लेक्चर में लास्ट में एक्सप्लेन कर रहा हूँ समझ आए। उसके बाद बच्चों नेक्स्ट स्लाइड में देख सकते हो सम नंबर 42 एंड 44 सेल्स एंड प्रॉफिट वेरिएंस से रिलेटेड है। इसका भी बच्चों वीडियो लेक्चर में मैंने एक्सप्लेनेशन किया है। तो एक्सप्लेनेशन समझने से पहले, बोर्ड पे पूरा वीडियो लेक्चर समझने से पहले ये आप लोग नोट डाउन कर लेना। इसके बाद बच्चों तीन एमसीक्यूज लास्ट में मैंने 10 मिनट में समझा, एमसीक्यू 17, 18, 19। ये भी नई बुक में नहीं है, तो इसका क्वेश्चन आपको समझ आए बच्चों और आप आराम से आंसर एक्सप्लेन कर पाओ, समझ पाओ, इसलिए ये लिखा हुआ है। ठीक है, तो ये सारे बच्चों जो भी पीडीएफ फॉर्म यहाँ दिखे हैं वो आप क्वेश्चन के तौर पर राइट डाउन कर लेना या फोटो लेना, जिससे आपको वीडियो लेक्चर के अंदर जो भी एक्सप्लेन किया आराम से समझ आए बच्चों। जय माता जी। हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू? वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल ध्यान कॉमर्स, द की ऑफ सक्सेस। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, शेयर एंड प्रेस बेल आइकॉन फॉर नोटिफिकेशंस। थैंक यू। जय माता जी। और डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन लेक्चर ऑफ ध्यान कॉमर्स ट्यूशन। अनलकीली बच्चों, जो स्टैंडर्ड कॉस्टिंग 2 टॉपिक हम लोग ऑफलाइन में स्टडी कर रहे थे, और जो अभी कोरोना के केसेस बढ़ रहे हैं बच्चों, और जो अभी स्थिति है आज के दिन में, मैंने देखा है 1740 से ऊपर केस है, और जो रिकॉर्ड ब्रेकिंग केस है गांधीनगर में भी लगभग बच्चों 40 के 50 के आजूबाजू केस हो गए। तो ये स्थिति में बच्चों गवर्नमेंट ने ऑफलाइन कोचिंग क्लासेस और कॉलेजेस बंद करवा दिया है। फिर भी हमने 3-4 दिन तक हमारा वर्क कम्प्लीट किया बच्चों, हमारे पास तो ऑप्शन नहीं है, तो कंपल्सरी हमें अप टू 10th अप्रैल थोड़े टाइम तक, जब तक कोरोना कंट्रोल में नहीं आता, ऑनलाइन स्टडी करना होगा। और बच्चों आप लोगों ने स्टैंडर्ड कॉस्टिंग के अंदर, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग 2 टॉपिक में मेरे पास वेरिएबल ओवरहेड के वेरिएंस, फिक्स ओवरहेड नॉर्मल, फिक्स ओवरहेड डेज वाले और सेल्स एंड प्रॉफिट के वेरिएंस देखे हैं। लगभग हर एक बैच में सेल्स का एक सम हो चुका है और एक आध बैच में प्रॉफिट करेंगे बच्चों, तो आपका कॉन्फिडेंस गेन हो। इसलिए जो लास्ट मेथड है स्टैंडर्ड कॉस्टिंग 2 में सेल्स एंड प्रॉफिट वेरिएंस, वो बच्चों में रिपीट करने जा रहा हूं, जिससे आपका कॉन्फिडेंस गेन हो जाए। ठीक है, तो बच्चों आपके पास टेक्स्ट बुक होनी चाहिए, जैसे आप क्लास में पढ़ते थे वैसे ही है। वर्क मैं बोर्ड पे कर रहा हूँ, खाली आप लोग को लेक्चर के लिए एक टेक्स्ट बुक, कैलकुलेटर और फुल स्केल बुक साथ में लेके बैठ जा रहा है। अब क्लास में कई बैच में मैंने 38 करवाया था बच्चों, इसलिए वो आज होमवर्क में था, उसके अलावा दूसरा सब करवा रहा हूँ। तो आज टेक्स्ट बुक में बच्चे आएंगे सम नंबर 37 ब्रैकेट में 42 पेज नंबर 143, उसके बाद है सम नंबर 40। आज मैं आपके सामने प्रेजेंट करने जा रहा हूँ बच्चों सेल्स वेरिएंस। एक आध क्वेश्चन हर एक बैच में हो चुका है, हुआ तो भी आपको प्रैक्टिस हो जाएगा, अलग क्वेश्चन ले रहा हूँ। टेबल शोइंग सेल्स वेरिएंसेस, पहली कॉलम में एक्चुअल क्वांटिटी, एक्चुअल मिक्स, एक्चुअल सेलिंग प्राइस। देख के तो ऐसा लग रहा है टेबल मटेरियल का, और मटेरियल के वर्ड है बच्चों खाली यहाँ पी है, पी 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 यानी सेलिंग प्राइस। सेकंड में एक्चुअल क्वांटिटी, एक्चुअल मिक्स, स्टैंडर्ड सेलिंग प्राइस, एक्चुअल क्वांटिटी, स्टैंडर्ड मिक्स, स्टैंडर्ड सेलिंग प्राइस, स्टैंडर्ड क्वांटिटी, स्टैंडर्ड मिक्स, स्टैंडर्ड सेलिंग प्राइस। अब बच्चों आपने अब तक जो भी स्टडी किया, मटेरियल, लेबर, ओवरहेड, दीज ऑल आर कॉल्ड एक्सपेंडिचर। अब सेल्स एंड प्रॉफिट फॉर्म जानते हैं, इनकम बोलते हैं, तो उसके लिए मैंने नीचे आंसर के साइन बोलते, देखते जाओ 1-2 सेल्स प्राइस वेरियंस, 2-3 सेल्स मिक्स वेरियंस, 3-4 सब वॉल्यूम वेरियंस, 1-4 सेल्स वैल्यू, 2-4 वॉल्यूम। सेम टेक्निक, पहले 3 का टोटल करो वैल्यू, कॉस्ट बढ़ना वाले रहा, बीच के 2 का टोटल करो वॉल्यूम। सेम टेबल बच्चों हमें सेकंड क्वेश्चन में करना है। यूनिवर्सिटी के इतिहास में लास्ट 10 साल सेल्स वेरिएंस का एक सम आ चुका है। ठीक है बच्चों, चलो मैं स्टार्ट कर रहा हूं टेक्स्ट बुक के अंदर सम नंबर 37 पेज नंबर 43। चलो रीडिंग स्टार्ट कर रहा हूं। द स्टैंडर्ड एंड एक्चुअल सेल्स इन रिस्पेक्ट ऑफ टू प्रोडक्ट्स आर एज अंडर, पहली कॉलम स्टैंडर्ड क्वांटिटी, फिर प्राइस है, फिर एक्चुअल क्वांटिटी है, एक्चुअल प्राइस है, नीचे बोला है कैलकुलेट सेल्स वेरिएंसेस। एकदम सिंपल क्वेश्चन से शुरुआत करने जा रहा हूं बच्चों। मेरे सामने टेबल है और सम के अंदर दो ही कॉलम है बच्चों, प्रोडक्ट के नाम, प्रोडक्ट ए और प्रोडक्ट बी। सबसे पहले प्रोडक्ट की एक्चुअल क्वांटिटी 1200 केजी, सेकंड में एक्चुअल क्वांटिटी का 1800। मित्रों में टोटल करना होगा, एक्चुअल क्वांटिटी के सामने एक्चुअल सेलिंग प्राइस 18 और 16, एक अच्छे कैलकुलेटर से मल्टीप्लाई। अब बच्चों यहाँ टोटल मुझे दिक्कत है, आप लोग बोलते हैं तो तुरंत बोलते हैं, मुझे स्टूडेंट भी बदल लेनी पड़ रही है। 21
9600. यस, सुपरवाइजर श्रेया मेरा मदद कर रहे हैं. ये हो गया बच्चों फर्स्ट कॉलम क्वांटिटी एक्चुअल, सेलिंग प्राइस भी एक्चुअल. सेकंड कॉलम अगेन क्वांटिटी एक्चुअल, सेलिंग की क्वांटिटी 1200 1800, सेलिंग प्राइस स्टैंडर्ड 20 और 15 मल्टीप्लाई करो तो मैं 24000. यस, थर्ड कॉलम के अंदर बच्चों अब हमें एक्चुअल क्वांटिटी लेनी है, पर हम सबको पता है मटेरियल लेवर हर एक सेल में क्या है, प्रमाण बदलना है. तो अंडरलाइन सबसे पहले क्वांटिटी का टोटल, क्वांटिटी का टोटल करो, टोटल एक ही हो जाएगा मेरे ख्याल से 3000. यस, अब हमें लेना है SM. SM का मीनिंग क्या होता है बच्चों, हम सबको पता है बच्चों SM का मीनिंग होता है स्टैंडर्ड मिक्स. स्टैंडर्ड मिक्स का मीनिंग होता है स्टैंडर्ड क्वांटिटी का रेशियो. अब मुझे पहली लाइन में स्टैंडर्ड क्वांटिटी दिख रही है 1000 और 1400, उसमें से जीरो गए गए 10 जेम फुट और छोटा करो तो 5 और 7 बराबर है, तो ये 3000 को बेटा 5 जेम सिल्वर में बांटो, 3000 डिवाइड बाय 12 करो, करो 1 to 5 0 2 15 2 7 करो 1 7 14. ओके, अब लेना बच्चों में स्टैंडर्ड सेलिंग प्राइस क्या हुआ, तो हमने जो क्वांटिटी टोटल थी 3000 उसको एसएम स्टैंडर्ड क्वांटिटी के प्रमाण में बांटा, और स्टैंडर्ड सेलिंग प्राइस ले लो मल्टीप्लाई करो 25000. हां नीचे बोलो 26250. चलो अब जनरल बच्चों जैसे लास्ट कॉलम में थी बच्चे के माइंड में ऐसा होगा सर स्टैंडर्ड क्वांटिटी मान लो जस्ट, पर सेल्स में बच्चों कुछ है नहीं, खाली कैलकुलेटर से मल्टीप्लाई करो 14 मार्क्स पूरे. पहले कॉलम में बुक मार्क स्टैंडर्ड क्वांटिटी आपके नीचे बच्चों 1000 और 1400, फिर यहां स्टैंडर्ड सेलिंग प्राइस ले लो 18 और 16 मल्टीप्लाई करो तो मिला 1 मिनट सॉरी स्टैंडर्ड सेलिंग प्राइस ले ली मैंने 20,000 मल्टीप्लाई करो 21,000. ये हो गया बच्चों टेबल शोइंग सेल्समैन द आंसर के अंदर ए का आंसर बी का आंसर और फिर टोटल, ठीक है. चलो अब बच्चों क्या करना, देखा 1 - 2 21,600 में से 24,000 लेस हो गए 24,400 माइनस में तो यू लिखो नीचे 28 आंसर में से 27 गए 18 को टोटल करो बेटा इसका 600 माइनस 600 एकदम सही है. चल 2 - 3 - 1000 इजी अभी कर लूंगा 27 - 26 250 + 750 और यहां आएगा -250 यू. चलो अब ले लो 3 - 4 5000 3 - 4 5250 F टोटल करो 10250 F 1 - 4 करो 1 - 4 1600 1 - 4 7800. ओके अब इसका टोटल करो 9400 चेक कर लो बेटा. ओके अब मैं आंसर टैली करना हूँ बच्चों, तो पहले 3 आंसर का टोटल टैली करो तो मेरा हो जाता है 21,600 - 20,000 बराबर है. अच्छा 3 का आंसर टैली करो तो 10,250 उसमें से 250 और 600 माइनस करो 9400 टैली हो रहा है, टैली हो जाए तो सम करेक्ट, हाँ हो जाता है. चलो 2 - 4 4000 2 - 4 टोटल करो 10,000. ये हो गया बच्चों विदाउट मैन सेल्स वेरियंस, इसमें जैसे रावा से पूछा है ये 100% बच्चों एग्जाम में कितना टका 100%. चलो इसके बाद बच्चों लेने जा रहे हम लोग सम नंबर 14 पेज नंबर 144 यस ब्रैकेट में 38 39
गणित बैच में मैं 38 करा हुआ है, सपोज वो दिन 38 आपने किया और 40 हो गया हो तो बच्चों देख रहे हैं, ना हुआ हो तो 40 में करवा रहा हूं, ठीक है। नजर अंदर पेज नंबर 144, फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन अबाउट सेल्स कैलकुलेट टोटल सेल्स वेरिएंस प्राइस वॉल्यूम मिक्स सब वॉल्यूम। पेज घुमाओ, पेज नंबर 145 ऊपर आओ, मस्त टेबल आप देखो। पहले कॉलम स्टैंडर्ड क्वांटिटी स्टैंडर्ड सेलिंग प्राइस टोटल, दूसरी कॉलम एक्चुअल सेल्स सेलिंग प्राइस नेट टोटल। बड़ा को खाली मल्टीप्लाई करवाना 14 मार्क 14 मार्क चाहिए, पूछा है कोई कैसे राहुल था मुझे 100% एग्जाम आ सकता है। चलो स्टार्ट करो, टेबल शोइंग सेल्स वेरिएंसेस प्रोडक्ट के नाम ए बी एंड डेंजरस सी। चलो एक्चुअल क्वांटिटी पहली कॉलम में 6000 5000 और 4000 एक्चुअल सेलिंग प्राइस है, हां टोटल भी है इसमें नहीं करना बेटा, टोटल दिया हुआ है 6 5 और 8 मल्टीप्लाई करो तो जरा 36,000, 25,000 और 32,000। कॉलम सेकंड अगेन क्वांटिटी एक्चुअल 6,000, 5,000 और 4,000 सेलिंग प्राइस ले लो स्टैंडर्ड इनटू 5 इनटू 6 इनटू 7 आ कर नीचे, हां मल्टीप्लाई थोड़ा इजी है मैं अपने आप कर लेता हूं। चलो अब बच्चों पहले दो कॉलम में कोई जन नहीं, पहले कॉलम में एक्चुअल क्वांटिटी सेल नहीं सेलिंग प्राइस एक्चुअल, दूसरी कॉलम में क्वांटिटी एक्चुअल सेलिंग प्राइस स्टैंडर्ड, बुक मार्क पर जो पहले सेटिंग करो, तीसरी कॉलम में अंडरलाइन क्वांटिटी का टोटल 6 5 11 4 15 ये लिखा ए क्यू 15000। अब क्या करोगे बच्चों, यहां ध्यान सबका ए बी सी करें टोटल। अब चाहिए मुझे एसएम, एसएम का मीनिंग है स्टैंडर्ड क्वांटिटी का रेशियो, स्टैंडर्ड क्वांटिटी जो पहला टेबल में आप दीजिए 5000 4000 3000 जीरो निकालो तो 543 543 5000 होता, 15000 डिवाइड बाय 12 करो 1250 करो 1250 * 5 1250 * 4 6250 हां उसके बाद 1250 * 4 करो 1250 इनटू 3 3750 ओके ये हो गए बच्चों एक्चुअल क्वांटिटी स्टैंडर्ड मिक्स का स्टैंडर्ड सेलिंग प्राइस 5 6 और 7 मल्टीप्लाई करो बेटा 31250 नीचे 3750 इनटू 7 करो 26250 एक्सीलेंट। चलो लास्ट कॉलम में किसी को कहा सर होगा तो स्टैंडर्ड क्वांटिटी मार्क करें तस्वीर से बच्चों आपके लिए चीजों का कॉपी करो 5000 स्टैंडर्ड क्वांटिटी पहली कॉलम में पची 4000 फिर 3000 रेट सेलिंग प्राइस स्टैंडर्ड 5 6 और 7 बैठे तो मल्टीप्लाई किया हुआ है पहला में 25000 दूसरे में 24000 और तीसरे में डेंजरस 21000। अब क्या करेंगे बच्चों आंसर की बारी 1 माइनस 2 प्लस 6000 डिफिकल्ट है तो बेटा करना 25 माइनस 30 तो माइनस 5 और 32 माइनस 28 यानी प्लस 4 टोटल करें तो 6 ने 4 10 10 वाली 5 जाए तो 5000 फेवरेबल। चलो मैं आंसर चेक कर लूं बच्चों आंसर के अंदर प्राइस प्राइस तो मुझे दिख ही नहीं रहा, हां मिल जाता है प्लस 5000। अब 2 माइनस 3 माइनस 1250 2 माइनस 3 0 2 माइनस 3 बेटा करो 1750 हैं हां ओके 1750 में से 1250 लेस करो 500 मिक्स फॉर वेरिएंस जो ये बच्चों जवाब आई जाए यहां आई जाए पची 3 माइनस 4 6250 30 माइनस 24 6000 26250 माइनस 21000 5250 टोटल रख दोगे 6 में 6 12 पर 70500 चेक करो बच्चों आ जाता है नजर का 1 माइनस 4 36 में से 25 गए 5 में से 11000 फिर 1 माइनस 4 25 में से 24 गया 1000 और 32 में से 21 गया 9 ने तो 11000 तीनों प्लस में आ रहा है बच्चों तो आप लिखेंगे 11 2 22 ने 23000 और बच्चों आठवीं मेहनत कर ली मैंने डाउट है फर्स्ट सेकंड और थर्ड का टोटल करो 5 ने 17 500 22 500 ने 23000 हो जाता है लो 2 माइनस 4
5000. 2 minus 4. 2 minus 4. Total karo. इसी को डाउट है तो बोलो. ये हो गया बच्चों आपका अफलातून सम. इसे टैली करना आपको 20 के 2 पार्ट टोटल. बच्चों तो ये आप देख रहे हो टोटल तो मेरे लिए भी डिफिकल्ट है. यहाँ स्टूडेंट बैठे हुए टोटल कर रहे हैं, बाकी क्लास में तो आप लोग टोटल बोलते हैं. ऑनलाइन बच्चों कई बच्चे बोले सर ऑनलाइन नहीं पढ़ना, पर बच्चों ऑप्शन नहीं है और ये टेम्पररी है. ऐसा तो नहीं आपने देखा हुआ है कि आपका 90% मैनेजमेंट अकाउंट पूरा हो गया, इसके बाद खाली खुद जैसा टॉपिक अटैक कर लो. ठीक है, और वो तो ऑप्शनल है बच्चों, तो आराम से आपको समझ आ जाएगा, चिंता मत करो. मैं पूरे ट्राई करोगे तो जैसे क्लास में पढ़ते वैसे ही करें. ठीक है, और इन बिटवीन पढ़ने के बाद भी आपको डाउट हो तो गवर्नमेंट कोचिंग क्लास ग्रुप में पढ़ाना मना करें. पर्सनली आप 9 से 12 सुबह और 4 से 7 मैं निखिल सर ध्यान सर यहाँ होते हैं. आप फोन करके आ जाओ सर, मुझे वीडियो लेक्चर में नहीं समझ रहा है तो वी विल एक्सप्लेन ऑफलाइन. ठीक है, तो जरा टेंशन लेने वाली जरूरत है. जैन तकलीफ था बच्चों हम आपके साथ ही है. ठीक है, पर हमें थोड़ा समय तो बच्चों पढ़ना होगा, कारण ऑप्शन नहीं है, बाकी हमें भी इच्छा ही होती है कि ऑफलाइन पढ़ाए. ठीक है, तो ये आपके दो अफलातून क्वेश्चन सेल से जुड़े हुए पूरे हुए. चलो बच्चों अब हम लेने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 44 ब्रैकेट में इलस्ट्रेशन 16 टेबल स्विंग सेल्स मार्जिन पब्लिक प्रॉफिट वेरिएंसेस. अब बच्चों हमरा में यूनिवर्सिटी एनालिसिस करियो 2015 16 17 18 19 एवरी ईयर जो पूछा है बच्चों सेल्स वेरिएंसेस पूछा है, यानी प्रॉफिट का सम एग्जाम में आता ही नहीं, पर हमें दुख ना हो इसलिए प्रॉफिट वेरिएंस भी ना हो. प्रॉफिट का मीनिंग क्या होता है, सेल्स माइनस कॉस्ट. अब देखो टेबल में क्या बताएंगे, टेबल शोइंग सेल्स मार्जिन ऑब्लिक प्रॉफिट वेरिएंस. और प्रॉफिट में आपको करना क्या है, ये जो टेबल है उसमें एक्चुअल क्वांटिटी एक्चुअल मिक्स एक्चुअल सेलिंग प्राइस दे देंगे. आपको पीनो मीनिंग प्रॉफिट समझ आ रहा है, एसपी का मीनिंग स्टैंडर्ड प्रॉफिट. ठीक है, और नीचे हर जगह पे बच्चों सेल्स के जो भी वर्ड है उसमें वर्ड आएगा मार्जिन. अब मार्जिन वर्ड ना लगा तो मार्क कटिंग. सेल्स मार्जिन प्राइस, सेल्स मार्जिन मिक्स, सेल्स मार्जिन सब वॉल्यूम, सेल्स मार्जिन वैल्यू, सेल्स मार्जिन वॉल्यूम. क्लियर बच्चों, तो मार्जिन वर्ड का कोई एटले इनो इज सेल नोट टेबल साइन इज सेम बराबर, खाली प्रॉफिट फाइंड करो. बट अब मैं रीडिंग स्टार्ट करूं बच्चों, धमाल रीडिंग टेक्स्ट बुक का बेस्ट समय पेज नंबर 146 इलस्ट्रेशन 16 बच्चों प्रैक्टिस बनाती है सूत्र मास एंड कन्वर्ट कर जो टेबल. ओके चलो ध्यान अंदर, टेक्स्ट बुक रेडी. श्री धमाल ट्रेडिंग फर्नेसेस डिटेल अबाउट द सेल्स एंड प्रॉफिट फॉर द ईयर 2007. इंफॉर्मेशन सेल नहीं भी है अभी एंड प्रॉफिट. बच्चों रीडिंग ना करें तो मार्क कटिंग. रीडिंग करना है बच्चों, कई बार सेल्स के आंसर मार्क में एक बार प्रॉफिट आगे देना. कैलकुलेट सेल्स वेरिएंसेस ऑन प्रॉफिट बेसिस. क्लियर हुआ बच्चों, कई बार बच्चे रीडिंग ना करें और सेल्स को मल्टीप्लाई करें तो मार्क गए, प्रॉफिट बेसिस बोला. ठीक है, पहला टेबल स्टैंडर्ड बजटेड, दूसरा टेबल एक्चुअल. चलो अब बच्चों मुझे टेबल के अंदर वैल्यू डालनी है. प्रोडक्ट के नाम है x और y. चलो पहले कॉलम में बेटा एक्चुअल क्वांटिटी बोलो, दिया हुआ है 45000 सॉरी एक्चुअल क्वांटिटी यस 45000 है और 22500. प्रॉब्लम ये है मुझे चाहिए एक्चुअल प्रॉफिट ना थी यहां पे, सो दो ऊपर से हां पहले कॉलम में सेल्स और बीजी कॉलम में कॉस्ट. जो पहले मैं सोचिस हूं एक्चुअल प्रॉफिट इक्वल टू एक्चुअल सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट. सेलिंग प्राइस आपकी जस्ट 6.75, नीचे आपकी है बच्चों 18 माइनस कॉस्ट. कॉस्ट आपकी है 5.25 और 12.75 माइनस करो तो बच्चों 1.5. हां 1.5 नीचे बोलो बेटा 5.25. ओके ये हो गया आपका एक्चुअल प्रॉफिट. ध्यान से देखना बच्चों, ये लिखा मैंने 1.5 और ये लिखा 5.25 मल्टीप्लाई करो 67500. हां नीचे बोलो 1,80,125. 1,80,125 बोलो बेटा. ओके सेकंड कॉलम क्वांटिटी सेम और प्रॉफिट लेना है स्टैंडर्ड. स्टैंडर्ड प्रॉफिट में क्या करना है, स्टैंडर्ड सेलिंग प्राइस ले लो एक्स वाई नहीं एम आदि कॉस्ट प्लेस करो. स्टैंडर्ड सेलिंग प्राइस 7.5 और 15 उसमें से कॉस्ट है बच्चों 6 रुपीस और 12 रुपया लेस करो तो जरा 1.5 और 3 ये हो गया बच्चों स्टैंडर्ड प्रॉफिट. ये टपका है 1.5 सेम आएगा, ये टपका है 3 मल्टीप्लाई करो तो 67500. वेल डन, ये हो गया बच्चों पहली कॉलम में क्वांटिटी एक्चुअल प्रॉफिट एक्चुअल, बीजी कॉलम में क्वांटिटी एक्चुअल प्रॉफिट स्टैंडर्ड. अब हमें अंडरलाइन करनी है क्वांटिटी का टोटल करो.
think 67.1 यस क्वांटिटी का टोटल हुआ 67.500 अब हमें लेना है एसएम एसएम का मीनिंग क्या लेते हैं बच्चों हम लोग स्टैंडर्ड क्वांटिटी रेशियो मतलब देखा है जो स्टैंडर्ड क्वांटिटी 36000 और 24000 ये जीरो गए 36 24 को और छोटा करना तो 12 3 36 12 2 24 3 जेम 2 67 500 डिवाइड बाय 5 करो पहले 24000 प्रॉफिट ले लो स्टैंडर्ड 1.5 और 3 54000 ये हो गया बच्चों आपका अफलातून धमा ट्रेड ठीक है अब हमें आंसर करना है खाली 1 - 2 0 1 - 2 तो ऐसे करना होगा 50600 आया प्लस में टोटल करेंगे चलो अब बच्चों मैं आंसर देख लूं धमाल ट्रेडिंग के अंदर सबसे पहले सेल्स प्राइस रेंज आ जाता है चला ले लो 6750 कोई बात नहीं प्लस में माइनस 13500 हां अब बेटा इसमें से प्लस है उसमें से माइनस 13500 में से 6750 माइनस करो -6750 चलो अब 3 - 4
सेल्स मार्जिन वॉल्यूम, दो ही आंसर मांगे बच्चों, फिर भी टेबल कितने देगा एक साथ? पांच आंसर। चलो सबसे पहली कॉलम सेल टेबल स्विंग सेल्स या प्रॉफिट मार्जिन वेरिएंस, सबसे पहले बुक में से ले लो एक्चुअल सेलिंग क्वांटिटी, बोलो 12,000 यूनिट्स। हाँ अब बच्चों चाहिए मुझे एक्चुअल प्रॉफिट। अब एक्चुअल प्रॉफिट के लिए मेरे पास सेलिंग प्राइस है 12 रुपए, कॉस्ट है 9 रुपए, कितना आएगा प्रॉफिट? 3 रुपए। बजट में स्टैंडर्ड सेलिंग प्राइस है 15, कॉस्ट है 10, आएगा 5। ओके चलो यहाँ क्या करें बच्चों, सबसे पहले एक्चुअल प्रॉफिट ले लूं 3 रुपीज, मल्टीप्लाई करो 36,000। सेकंड कॉलम क्वांटिटी सेम, फिर से ले लूं स्टैंडर्ड प्रॉफिट 5 रुपए। तीसरी कॉलम में बच्चों हमें पता है जब एक आइटम हो तो मिक्स वर्ड आएगा नहीं आवे, कारण 12,000 का टोटल कितना होगा 12,000। चौथी कॉलम स्टैंडर्ड क्वांटिटी ले लो, स्टैंडर्ड क्वांटिटी कितनी हमारे पास 10,000, तो बोले सब कुछ फाइंड आउट करना है ना, 10,000 × 5 हां 50,000। ओह पुअर क्वेश्चन बच्चों, ये हो गया प्रॉफिट वेरिएंस। चलो 1 - 2 24,000 2 - 3 0, 3 - 4 +10 અને 1 - 4 -14 माइनस। एक मिनट टैली करो बेटा, ये 24 में से 10 गया हो जाता है, लास्ट में 2 - 4 10,000। ये हो गए बच्चों आज के अफलातून सेल्स के दो और प्रॉफिट के दो वेरिएंस। अब बच्चों आप यूनिवर्सिटी पेपर सेट लेके बैठोगे तो ऑल क्वेश्चन रिलेटेड यूनिवर्सिटी, ठीक है? तो इस प्रकार से आपके अफलातून दो मेथड की प्रैक्टिस मैंने करवा दी है। चलो बच्चों अब हम लेने जा रहे हैं छोटे छोटे प्यारे प्यारे एमसीक्यूज, ठीक है? टॉपिक बच्चों भले हमने ऑफलाइन के अंदर 99% पूरा कर दिया और आपको मेरा काम पता है बच्चों, छोटे सम जो भी बाकी वो सब मैं आपको करवा दूं, जरा भी चिंता मत करना। अब बच्चों हमारे पैटर्न में से निकालना है सबसे पहले एमसीक्यू 17, टेक्स्ट बुक के अंदर बच्चे आएंगे पेज नंबर 123। चलो रीडिंग स्टार्ट कर लो। द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन रिलेट टू द वेलकम कंपनी, बजटेड सेल्स में 10,000, बजटेड सेलिंग प्राइस 15, कॉस्ट 10, एक्चुअल सेल 12,000, प्राइस 12, 9। सेल्स मार्जिन क्वांटिटी वेरिएंस, क्वांटिटी का दूसरा मीनिंग होता है वॉल्यूम। तो अब बच्चों छोटे सब के अंदर में पूरा टेबल बनाने की जरूरत नहीं है, प्रॉफिट का आंसर मांगा है तो हमें पता है 2 - 4 2 कॉलम कौन सी होती है, AQMSP है, 4 SQSMSP है, तो बड़ा को नाना समझना खाली जरूरत टू बनाओ, 2 - 4 करोगे वॉल्यूम या क्वांटिटी वेरिएंस मिलेगा। अच्छा एमसीक्यू में ऐसा भी पूछते हैं लोग कई बार कि क्वांटिटी वेरिएंस का दूसरा नाम क्या है, तो याद रखना वॉल्यूम, ठीक है? चलो मैं रीडिंग स्टार्ट कर रहा हूं। सबसे पहले चाहिए मुझे एक्चुअल सेल्स क्वांटिटी, आई थिंक 12,000। अब चाहिए मुझे एक्चुअल प्रॉफिट। अब एक्चुअल प्रॉफिट के लिए सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट करना होगा और मेरे पास एक्चुअल सेलिंग प्राइस है 12, 12 में से 9 गए 3 रुपीज, यस ले लो 3, 36,000। अब मुझे चाहिए स्टैंडर्ड प्रॉफिट, तो बच्चों स्टैंडर्ड प्रॉफिट के लिए स्टैंडर्ड सेलिंग प्राइस है 15, उसमें से 10 गया 5 रुपए, जैसे आगे वाला सम किया ऐसा लगा सेम अमाउंट है, यस। अब चाहिए मुझे स्टैंडर्ड क्वांटिटी 10,000 × 5 रुपए 50,000, 2 - 4 करो तो बेटा माइनस 14,000। आंसर चेक करो बच्चों, कुछ गड़बड़ हो रही है, द मार्जिन क्वांटिटी वेरिएंस मांगा है 2 - 4, आंसर आ रहा बच्चों 10,000। चेक कर ले कोई गड़बड़ है कि नहीं, सबसे पहले 12 में से 9 गए 3 रुपए प्रॉफिट, 12,000 × 3 36,000 बराबर है, और इसके अंदर 10,000 मिटे इनटू 5 करेंगे तो 50,000 आएगा। आंसर में कुछ गड़बड़ लग रही है बच्चों, फिर मैं चेक कर लेता हूं। हमारी गलती है बच्चों, यहाँ भी प्रॉफिट हमें लेना है स्टैंडर्ड एक्चुअल प्रॉफिट, यूज ही नहीं करना है, ठीक है? ये जरूरत है नहीं, 5 रुपए आएगा ना, 12 × 5 करो, देखो ऑनलाइन में भी गलती हो तो फायदा होता है, समझ आया? 12 × 5 करो 60,000, जो भूल पड़ी तो तुम्हारी सामने लाइव में सुधार लो, वीडियो डिलीट नहीं कर दो बच्चों गलती से, मिस्टेक। अब बच्चों 2 - 4 करो, यस एक्सेप्ट +10,000 आएगा, फेवरेबल। अब आंसर चेक करो बच्चों आ जाता है। चलो उसके बाद लेंगे बच्चों एमसीक्यू 18 पेज नंबर 123, छोटे छोटे प्यारे प्यारे सम्स। अ कंपनी इज मार्च 2014 प्रोडक्शन डिटेल्स आर एज अंडर, फिक्स ओवरहेड कॉस्ट एज पर बजट वेरिएंस 10,000, प्रोडक्शन यूनिट 5,000, एक्चुअल प्रोडक्शन 5250, फिक्स्ड कॉस्ट 10,000।
कैलकुलेट फिक्स ओवरहेड वॉल्यूम वेरिएंस एंड बजट वेरिएंस। अब पहला आंसर वॉल्यूम मांगा है, दूसरा बजट। डेज है नहीं, यानी कैलकुलेट टेबल एसीबीसी एएचएसआर एसएचएसआर टेबल शोइंग फिक्स ओवरहेड वेरिएंस। इसमें गिनती दिखानी है तो एएचएआर बीएचएसआर, ठीक है। चलो बच्चों मैं लेने जा रहा हूं छोटा प्यारा सा, रीडिंग स्टार्ट कर लूं। पहले कॉलम में जो ये हमारा एक्चुअल आवर, कुछ याद आ रहा है बच्चों? हम आवर आपके आता है यूनिट वाला खुद दे जैसा सम यूनिट आवर है, कोई बात नहीं। एक्चुअल प्रोडक्शन नहीं है, यूनिट है यानी सर बैल 5250 यूनिट। उसके बाद एक्चुअल फिक्स ओवरहेड 10400 डिवाइड करो बेटा, ये मिल जाएगा हमें 10400 डिवाइड बाय 5250। ये हमारे नॉलेज के लिए बच्चों, ना लिखे तो भी चले। सेकंड कॉलम में बजट आवर, बजट आवर ना थी बच्चों पर मैंने देखा जो बजट यूनिट ये रहे 5000 यूनिट। रेट मेरे पास नहीं है पर मेरे पास है बजटिंग फिक्स्ड कॉस्ट 10000 रुपए। डिवाइड करोगे तो एग्जैक्ट रेट आएगा 2 रुपए। त्रीजी कॉलम में एक्चुअल आवर ना आपका यूनिट ले लो 5250 और रेट ले लो स्टैंडर्ड 2 रुपए मल्टीप्लाई करो तो 11500 यस। उसके बाद लास्ट कॉलम में नियम आया बच्चों तो व्हेन इन सम, कुछ रूल्स याद करवा रहा हूं। ओनली यूनिट्स गिवन देन एएच इक्वल टू एसएच एक्चुअल आवर यूनिट एंड स्टैंडर्ड यूनिट सेम लेवल 10500 ओके 5250 में दो ओके यहां पे सेम आएगा। हां 5250 में दो 10500 हो गया बच्चों। कर लिया आप लोगों ने 2 माइनस 1 10 में 10 400 हो गया माइनस 400 यू। अब यहां भी 4 माइनस 2 आएगा यस 4 माइनस 2 500 ठीक है। अब बच्चों कई बच्चे आंसर देखते हैं तो देखते हैं माइनस 400 500 मार्क गए। बच्चा टिक कर गया था ऑप्शन बी, एक भी मार्क ना पड़े कैम, ये एक टेक्निकल एरर था आकर भी मैं दिखा दूं। जो अब हम जनरली गिनते हैं फर्स्ट बजट वेरिएंस सेकंड वॉल्यूम बराबर, पर यहां आंसर में पहला वर्ड यूज किया है उन्होंने वॉल्यूम और फिर बजट, मतलब आपने जवाब को जो आना प्लस 500 माइनस 400 जो आना प्लस 500 माइनस 400 लिखो बच्चों तो आंसर आएगा सी ठीक है। मतलब रीडिंग हैबिट ना माने जवाब को फट दे टिक करवाने आता था ना मार्क कटिंग दे जा बच्चों ध्यान रखना। इसके बाद आपको याद दिलवाने के लिए ले रहा हूं मैं छोटा पैरा एमसीक्यू 19 पेज नंबर 123 टेबल शोइंग वेरिएबल ओवरहेड वेरिएंस। बहुत कम सब टेक्स्ट बुक में है बच्चों एएचएआर एएचएसआर एसएचएसआर ठीक है। नीचे खाली एक ही आंसर मांगा है वेरिएबल ओवरहेड एफिशिएंसी वेरिएंस। रीडिंग स्टार्ट करो जो पहला टेबल स्टैंडर्ड बीजू टेबल एक्चुअल। चलो पहले कॉलम में एक्चुअल वर्किंग आवर बोलो। आवर तुम्हें जो समझ बच्चों टेबल में कंप्यूटर की गलती है टैब आगे आ गया तो नीचे की लाइन में आवर्स देखो अंदर की साइड पे दिया है यस तो एक्चुअल आवर्स है बच्चों 22500 एक्चुअल रेट ना दें पर एक्चुअल वेरिएबल ओवरहेड की अमाउंट है 120000 करो तो डिवाइड बाय 5.3 सेकंड कॉलम अगेन एक्चुअल आवर। अब हमें पता है स्टैंडर्ड रेट ना हो तो उसका फार्मूला हमें पता है एस्टीमेटेड वेरिएबल ओवरहेड अपॉन एस्टीमेटेड आवर। पहले कॉलम में एस्टीमेटेड वेरिएबल ओवरहेड 1,00,000 रुपया और एस्टीमेटेड आवर 20,000 है करो तो डिवाइड 5 रुपए यस मल्टीप्लाई करो तो 22,500 × 5 1,12,500। अब हमें करना है 3 - 2 अब यहाँ बच्चों रेट 5 रुपए। अब हमें पता है एसएच ना होता एसएच का स्लोगन हमें पता है ना यस एसएच के लिए हम स्लोगन बनाते हैं बीयू पे बीएच तो एपीयू पे हाउ मच तो बोले बीयू बीयू क्या है बीयू का मीनिंग है बजट यूनिट और बजट यूनिट मुझे दिखाई दे रहा है 20,000 20,000 बजट यूनिट है 20,000 बजट आवर 20 के सामने 20 तो एक्चुअल प्रोडक्शन 22,000 पे हाउ मच करो तो बेटा हाउ मच 20 के सामने 20 तो 22 के सामने 22 आएगा यस ये आ गया 22,000 इनटू 5 करो 110 हां अब 3 माइनस 2 करो माइनस 2500 ये हमारा आंसर होना चाहिए माइनस 2500 नहीं आंसर है यार बच्चों आंसर आ जाता है आंसर ए। ये हो गया बच्चों आपका अफलातून स्टैंडर्ड कॉस्टिंग टॉपिक 2 लीगली पूरा
और आप लोगों को पता है बच्चों, जब भी ऑनलाइन की बारी आती है हमेशा ध्यान कॉमर्स ने 100 के ऊपर परसेंटेज दिया है। तो यहाँ मुझे 120% आपको सीखाना है, तो यहाँ टेक्निकली चैप्टर के अंदर कुछ बाकी नहीं है। और आप यूनिवर्सिटी समझ लेंगे मैडम बच्चों, तो 2 घंटे के अंदर तो आपके सारे पेपर के समझ जाएंगे। पर आपको दुख ना हो, इसमें मैंने प्रॉमिस किया हुआ है मैं नेक्स्ट एक लेक्चर स्पेशल यूनिवर्सिटी का बनाऊंगा जिसमें आपके पास पेपर सेट होना चाहिए 2017 से 20। पेपर सेट ना हो तो मैंने PDF कॉपी गूगल क्लासरूम की रखी हुई है व्हाट्सएप में, ठीक है, तो उसका भी आप यूज कर सकते हो बच्चों। तैयारी चालू रखना, जो भी स्थिति हमें कंटिन्यू स्टडी करना है, ध्यान कॉमर्स ऑलवेज बिजी। ऑल द बेस्ट बच्चों, जय माता जी। Please like, subscribe, share and press bell icon for notifications.